नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। चैन का पुरवा गांव में चोरी छिपे आने पर पीड़ित ने समर सिंह दीवान पर लगाया आरोप। पीड़ित ने पड़ोसी के हर रात्रि चोरी छिपे आने के दौरान देवराहट थाने के दीवान समर सिंह को चोर समझकर टोका। पीड़ित की टोकने पर नाराज समर सिंह ने पीड़ित को जेल भेजने की दी थी धमकी। जी हाँ, आपको बता दें, पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के थाना देवराहट क्षेत्र के चैन का पुरवा गांव निवासी राकेश कुमार की है, जहां पुलिस द्वारा अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया गया कि उनके पड़ोसी अवधेश कुमार के घर में देवराहट थाने में तैनात समर सिंह दीवान 9 अगस्त को चोरी छुपे रात्रि आने जाने के दौरान चोर समझकर टोक दिया था, जिससे नाराज होते हुए समर सिंह ने पीड़ित को जेल भेजने की धमकी देते हुए पीड़ित के पड़ोसी के घर चले गए। वहीं दूसरी ओर पीड़ित के पड़ोसी अवधेश कुमार के घर में खाकी की थाक जमा चुके समर सिंह के कहने पर अवधेश कुमार अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर लाठी डंडे धारदार हथियार और अवैध देसी कट्टे समेत 10 अगस्त की शाम को पीड़ित के घर में घुसकर जानलेवा हमला करते हुए मारपीट शुरू कर दी। वहीं आरोपियों की तरफ से अचानक किए गए हमले से सहमे पीड़ित ने अपने बचाव के लिए चिल्लाया, जहां गांव के लोगों समेत प्रधान के दौड़ने पर आरोपी लोग फरार हो गए, लेकिन भागते समय कीचड़ में पैर फिसलने से अवधेश कुमार के हाथ से अवैध देसी कट्टा छूटकर कीचड़ में गिर गया, जो कि पीड़ित की पत्नी श्याम भाई को मिला। 11 अगस्त की सुबह पीड़ित अवैध देसी असलहा लेकर देवराहट थाने में देते हुए आरोपियों के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं पुलिसिया दिमाग लगाते हुए समर सिंह ने घटना वाले दिन आरोपियों की तरफ से रात के ही प्रार्थना पत्र लेकर पीड़ित के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। जब पीड़ित सुबह 11 अगस्त को थाने पहुंचकर पूरे मामले से अवगत कराया तो पुलिस ने पीड़ित की तरफ से मुकदमा लिखने से साफ मना कर दिया, जहां करीब एक महीना होने को आया है, जहां पीड़ित न्याय के लिए उच्च अधिकारियों के यहां चक्कर काट रहा है। घटना को लेकर पीड़ित से बात की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो वह अपने परिवार समेत पुलिस अधीक्षक के यहां जाकर पेट्रोल डालकर परिवार समेत अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगा। जहां एक तरफ सूबे की योगी सरकार साफ सुथरी कानून व्यवस्था को लेकर पीड़ित को हर संभव न्याय दिलाने की बात करती है, वहीं चैन का पुरवा गांव निवासी एक पीड़ित महीनों से अधिकारियों की चौखट के चक्कर काटने में लगा हुआ है और उसे न्याय मिलना तो दूर, उसे तो पुलिसिया दिमाग से मुकदमे में उलझा दिया गया। वहीं दबंग लोग पीड़ित को फोन में मारपीट की धमकी देकर प्रताड़ित करते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि योगी सरकार में इस पीड़ित को न्याय मिलेगा या यूं ही पीड़ित दर दर भटकता रहेगा। देखिए इस खास रिपोर्ट को सबसे पहले इंडियन प्राइम न्यूज पर जंग बहादुर सिंह के साथ, जहां खाकी के दामन में अवैध संबंध के लग रहे हैं संगीन आरोप। आपका कहां रहने वाली हो? अच्छा, आपके द्वारा जो अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया गया है, क्या समस्या, क्या पूरा मामला है? समर सिंह और सभी हमारे घर में घुस के, हमारे देव सिंह देविंद और देश हमारे घर में घुस के हमको मारा, बंदूक लेके। कौन तारीख को मारा था? 9 तारीख को, अमित मोंटी। तो आपने थाने में प्रार्थना पत्र दिया था? दिया था, कोई सुनाई नहीं हो रही है। अब आप क्या चाहती हैं? आप ये चाहती हैं कि हमको न्याय मिलो चाहिए। तो आपने अधिकारियों के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ गई थी? आप तीन बार तिवारा गई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है? मुकदमा पुलिस क्यों नहीं लिख रही है? पैसों भर दिया, 50,000 थाने में, 35,000 था सीओ साहब को, 50 भर दिया, 30,000 थाने में भर दिया। तो आप कह रही हैं कि पुलिस वालों को पैसा दे दिया है दबंगों ने, इसलिए मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है? मुकदमा नहीं लिख रहा है हमारा। कब से परेशान हैं आप? मतलब महीना, एक महीने के आसपास हो गया है? एक महीने के आसपास हो गया, लेकिन आपको न्याय नहीं मिल रहा है? कुछ मिल रहा नहीं रहा सर। मान लेते हैं अगर आपको 1% न्याय नहीं मिल पाता तो क्या करेंगे आप? मिट्टी के तेल डाल के आग लगा लेंगे पूरे परिवार सहित से, मैं पति सुधा से। आपका राकेश कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, आपके द्वारा अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया गया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला जो है सर, समर सिंह, उनके समर सिंह यादव दीवान है दीवार थाने में, झांसी का रहने वाला है वो, और देश के घर में आता जाता रहता है, उससे अवधेश की औरत से गलत संबंध है। वो रात में आया तो हमारी नींद गुरी, हम लोग भैंसी चोर तो नहीं आया,
मैंने टोका तो समर सिंह बोला कि अब टोका आज के बाद टोक नहीं देना। हमने क्यों साहब, हम कौन भैंसी चोर, कोई बता रहा नहीं, आपको जेल भेज देंगे। फिर दूसरे दिन 10 तारीख को अवधेश अवधेश सिंह, अमित और मोन्टी और देवेंद्र सिंह, ये हमारे घर में दारू पी के आ गए। छड़ में हमारी पत्नी श्याम भाई को मारा, हमको मारा, हमारे बच्चे छोटे छोटे थे उनको भी मारा। फिर गांव प्रधान के परिवार के हल्ला मचाया, तो सब लड़के ने हल्ला मचाया तो सब लोग भागे। अवधेश का कीचड़ में पांच झिलने से गिर गया, तो उसका कट्टा गिर गया, वो कट्टा हमारी पत्नी श्याम भाई को मिला। वो कट्टा फिर आपने किसको दिया जाके? कट्टा अनिल भदौरिया हल्का इंचार्ज को दिया। तो आपने उनसे पूछा कि उन्होंने कट्टा कहाँ जमा किया? उन्होंने आपने पूछा उनसे? जी जी साहब, हमने पूछा रिकॉर्डिंग की, तो बोले कि मैंने सी ओ ऑफिस में कट्टा जमा कर दिया सर। अब आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं सर कि हमको मोबाइल द्वारा जान से मारने की धमकी देते हैं। कौन दे रहा है? देव सिंह लड़का धर्मेंद्र बम्बई से दे रहा है हड़की। अच्छा, देवेंद्र लड़का दे रहा हड़की। आपने किसको देखा था रात में आते हुए? हमने मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। आपने आते हुए किसको देखा था रात में? रात में मैंने अवधेश को देखा जो घर में जा रहा था। वो कौन था? दुराट थाने में जो बता रहे हैं, क्या नाम है उसका? समर सिंह सिपाही है। समर सिंह यादव सिपाही है, दीवान है। दीवान है, किस थाने में? दुराट थाने में आया था। उसने सर 10 तारीख को प्रार्थना पत्र उनके लिख लिया, अपने तरफ से लिख कर वहाँ जमा कर दी। अच्छा, कहने मतलब है कि जिन लोगों ने आपके साथ मारपीट की है उन्हीं लोगों ने समर सिंह के साथ में मिलकर आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया है? जी सर, समर सिंह ने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अच्छा, जब हमने लिखाया तो हमारी कोई सुनवाई। और आप थाने गए थे क्या? हम थाने गए। आपको मुकदमा लिखा गया? हमारा मुकदमा नहीं लगा, हमको भगा दिया। तो आपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की जा किस संबंध में? जी सर, उधर समर सिंह जाँच के लिए समर सिंह आए थे मैं।